साथियों, आज फ्राइडे है और जुम्मा मुबारक हो। तो सबसे पहले हमारे तरफ से हमारे हेडमास्टर साहब जो बच्चों को शिक्षा देते हैं और शिक्षा के बिना ही जीवन जीना है, इससे पहले भी हम आ चुके हैं इस स्कूल में। और हमारे हेडमास्टर साहब, शुभ नाम क्या हो गया? नितेश कुमार पटवारी जी। और ये चिरकुंडा नगर पंचायत के अंतर्गत अवस्थित कौन सा स्कूल है सर? नंदलाल स्कूल। कहीं क्लासरूम में सांप देखा गया है, तो चलिए सर, पहले हमें आप सांप दिखलाइए। संतोष, चलिए वो खोलने का व्यवस्था करिए। चलिए, सांप है, पहले हमको दिखलाइए आप लोग। साथियों, आज का दौर जो है, इस दौर में एक टाइम नहीं खाना है, लेकिन हमें अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है कि उसको चुराया नहीं जा सकता है। धन दौलत रुपया पैसा आपका छीन लेंगे, लेकिन शिक्षा आपका छीन नहीं पाएंगे। यही एक अनमोल रत्न है, यही अनमोल धन है। और आज हमारे हेडमास्टर साहब खुद खड़े हैं रिसीव करने के लिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इस हेडमास्टर साहब को फिर से एक बार हम सैल्यूट करना चाहते हैं इस मंच से। कहाँ है साहब? सर, इसमें बंद कर दिया। अच्छा, इस रूम में बंद कर दिया। बंद कर दिया, पैक कर दिया, सबको बाहर खड़ा कर। क्या बात है, बच्चों का पढ़ाई बाधित है। और आज हम हेडमास्टर साहब को चाहेंगे कि सांप खुद वो पकड़े, क्योंकि खाली पढ़ाना ही नहीं है। अच्छा, बैग तो पकड़ ही सकते हैं। हो सकता है इसमें भी है क्या? अच्छा, इसमें है। चलिए भाई, इसमें ना कोई आतंकवादी है, ना उग्रवादी है, ना कोई माओवादी है। एक रेप्टाइल है जिसका नाम है सांप। सांप नहीं, सांप के नाम से लोगों के अंदर भय है। भाई, सांप से डर नहीं है, देखने का लोग इतना ही उत्सुक है। चलिए इसको खोला जाए। अरे बहुत प्यारा सांप है, डामन डामन इंडियन रेड स्नेक। बहुत प्यारा सांप है। आज इस मंच पर सिर्फ हम ही सांप नहीं पकड़ेंगे, आज हमारे हेडमास्टर साहब भी पकड़ के दिखलाएंगे। ये बिल्कुल नॉन वेनमस है, बिल्कुल जहरीला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा के युग में आदमी जहरीले हैं, मनुष्य जहरीला है, सांप जहरीला नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आज हमारे हेडमास्टर साहब यहाँ आए, पहले पूंछ पकड़े। पहला क्लास पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, तीसरा, ऐसा कुछ नहीं है। ये ढामन सांप है, और ढामन सांप जो होता है ना, ये अभी बेबी है, ये लगभग 8 से 10 फीट का हो जाएगा। शिक्षा से ही हम जाने हैं कि ये जहरीला है या नहीं है। हिंदी में ढामन, बंगला में दड़ास, और इंग्लिश में इंडियन रेड स्नेक। क्या बच्चों गलत बता रहे हैं? बिटिया लोगों को अंदर देखिए कितना उत्साह है। बेटी बचाइए और बेटी लोगों को पढ़ाइए, और किसी भी बेटी को चूल्हा नहीं जलाना है। काहे कि हम पढ़ाई किए हैं, पढ़ाई से हमें नौकरी मिलेगा, तो फिर घर का चूल्हा हम क्यों जलाएं? क्या गलत बोल रहे हैं बिटिया लोग? इसलिए शिक्षा से जुड़िए, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। ये बिल्कुल नॉन वेनमस है। और सर देखिए, इसको अगर हम छोड़ दें ना, बिटिया लोग चुप है, चिरकुंडा में लाइन कट जाए तो पंखा में बांध दिया जाए तो पंखा ऑटोमेटिक घूमता रहेगा। हाँ, बहुत ज्यादा बीमारी है लाइन कटने का, तो अगर पंखे में बांध दिया जाए तो ये घूमता रहेगा पंखा। ये बिल्कुल विषहीन। भारत में सांपों की कुल 270 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें सिर्फ 6 जहरीले सांप हैं। और ये ढामन आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम आज सर के साथ रेस्क्यू कर रहे हैं, और सर को चाहेंगे कि एक ठो छुपा। इधर आ जाइए। ध्यान से साथियों, बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए, और नारी को सम्मान दीजिए। जल है तो कल है, इसीलिए पानी को भी आपको बचाना है। इन्हीं सब शब्दों के साथ
हम गर्व से कहेंगे जय हिंद जय भारत, और हम गर्व से बोलेंगे वंदे मातरम। आप लोग भी बोलिए वंदे मातरम।